अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखें, आज मैं गुलशन इकबाल के एरिया में, ये वहीद रेस्टोरेंट है, यहाँ विज़िट कराऊंगी आपको और यहाँ दिखाऊंगी यहाँ क्या कुछ अवेलेबल है। ये पहले बंस रोड पे होता था, इसकी ब्रांच अब यहाँ भी खुल गई है। सो देखिए, यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, यहाँ बैठने का इंतज़ाम भी अच्छा है और यहाँ से हम लिफ्ट से जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, अभी मैं आपको सब शो करूँगी। ये क्या बन रहा है? निहारी है। अच्छा, ये तो मैं अभी आके बैठ जाएँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ ना। तो देखिए, हम पहले यहाँ से लिफ्ट से अंदर जा रहे हैं, फिर मैं ऑर्डर दे दूँ तो उसके बाद फिर मैं आपको शो करूँगी। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। घूमने निकले हम। अनाया कहाँ आई है? ये फर्स्ट फ्लोर पे देखें, हम यहाँ पे आ गए हैं। इससे ज़्यादा ऊंचा तो ये नहीं था, फर्स्ट फ्लोर पे ही हम आए हैं। ये इनकी डाइनिंग एरिया है, ठीक है, ये डाइनिंग एरिया है। कॉर्नर पे ही बैठ जाते हैं ना। किस तरफ बैठेंगे? इधर देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे कोई जगह ख़ास नहीं है, उस तरफ आ जाते हैं कॉर्नर पे। उधर भी है ना, उस तरफ भी है ना, उधर फुल है जगह। अच्छा, तो ये देखें, ये इनकी पूरा डाइनिंग एरिया है। यहाँ हमने ये जगह डिसाइड करी है, वैसे वो वहाँ तक है। तो मैं आपको इनका मेन्यू कार्ड भी दिखाऊंगी और नीचे ये भी दिखाऊंगी कि जो हम ले रहे हैं कि उसको, उसकी मेकिंग भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों देखें, हम कीमा मंगवा रहे हैं। तो ये पहले आपका, ये इसका क्या नाम होता है इस कीमे का? धागा कबाब। जी, धागा कबाब जी। अच्छा, पहले ये इस तरह से बनता है, ठीक है, इसके बाद फिर ये फ्राई होएगा ना। अच्छा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कितने साल हो गए इधर खोले? पहले तो बंस रोड में था ना? यहाँ पे 5 साल हो गए तकरीबन। ये 5 साल हो गए, ठीक है जी। हम खैर आते रहते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली दिखाना है पूरी वर्ल्ड को, कुछ बताना होता है। देखिए, ये इस तरह से, इसको क्या करेंगे आप, फ्राई करेंगे? नहीं, ये पार्सल है, धागा कबाब है, फ्राई कबाब अलग होता है। अच्छा, ये क्या नाम है इसका? इसका बीफ धागा कबाब। बीफ धागा कबाब। इसकी क्या कॉस्ट है, कीमत क्या होगी इसकी? ये $450 का एक प्लेट। देखें, ये 4 प्लेट है जी, 3 प्लेट 450 का हो गया। अच्छा, ये है देखिए फ्राई कीमा, ये आपका रेडी है। अच्छा देखिए, अच्छा जी, ऑयल हटा के दीजिएगा ज़रा। अच्छा, ये कितने, इधर रखिएगा प्लेट इधर, ये कितने की हो गई? 470। हाँ, 470 की ये हो गई, ठीक है। 2 पर्सन के लिए होगी ये, काफ़ी 1 पर्सन या 2 पर्सन भी खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी, ये आपके पास स्वीट डिशेस भी वगैरह है ना, ये भी? अच्छा, और ये गुलाब जामुन भी है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये इनका डाइनिंग एरिया एक ये भी दिया गया है, ठीक है। ये हाँ जी, ये जेंट्स के लिए है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे ये निहारी बन रही है, दिखाइएगा ज़रा निहारी आपको। ये बोटी दिखाइएगा ना इसकी। हाँ, बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी बोटियाँ हैं ये। इसकी प्लेट कितने की होती है? ये सामने मेन्यू लगा है, 400 रुपये की प्लेट है इसकी, 470 की। हाँ, 550। अच्छा जी सर। और ये क्या चीज़ें आपके पाए? रोगन है। आपको इसमें ना स्पाइस होता है। ये क्या चीज़ है? ये रोगन। रोगन, अच्छा 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 ठीक है। ये निहारी के साथ, निहारी के साथ इसका कॉम्बिनेशन है ना, इसको मिला दिया जाता है। अच्छा ठीक है, और क्या क्या है आपके पास? और तंदूर आ गया, पराठा। अच्छा, ये इनके देखें रोटी बन रही है।
ये आप क्या बना रहे हैं? रोटी के पराठा? नान है। नान नान बना रहे हैं? अच्छा, प्लेन तंदूरी नान। ये नान कितने का होता है? ये 40 रुपीज़ का। 40 रुपीज़ का नान और पराठा? पराठा 120। 120 पराठा होता है बड़े साइज। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को इसका एड्रेस समझाइए। जी मैम, ये मस्कन चुरंगी नियर डिस्को, मस्कन चुरंगी के पास नियर डिस्को बेकरी। जी ठीक है, डिस्को बेकरी। मैन एड्रेस डिस्को बेकरी, मस्कन चुरंगी से थोड़ा सा आगे। अच्छा, वहीद वहीद कबाब हाउस। ठीक है, जिनसोई के बराबर। ठीक है ठीक है। अच्छा तो दोस्तों देख लिया इन्होंने आपको एड्रेस भी इसका समझा दिया है, मैं यहाँ से आपको इसका नाम भी मैंशन कर दे रही हूँ। ये देखिए, ये है इसका नाम वहीद। ठीक है, अब हमने ऑर्डर दे दिया है, अब मैं अपने वापस अपनी जगह पे जा रही हूँ। यहाँ पे पराठे बनेंगे ना आपके? अभी बना रहे हैं आप? ये ऑर्डर मैं आपको। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। तो वो ऑर्डर दे दिया जो हमारे फैमिली के साथ में आई हूँ, उन्होंने ऑर्डर दे दिया। फ्राई कबाब था आपका? नहीं पता नहीं, अभी ऑर्डर रिप्लेस अभी नहीं अभी नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, चलिए जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये पराठा बनने के लिए ऑयल गर्म हो रहा है, तो वहाँ पे वो तंदूर के नान लग रहे हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो फ्राई कीमा है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था ना, मुझे सबसे ज़्यादा उसका टेस्ट के हिसाब से मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे नहारी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। ये पहले बंस रोड में भी इसकी ब्रांच थी, तो वहाँ हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये इसमें यहाँ पे इसकी ये ब्रांच भी हो गई है। ये गुलशन इकबाल में है। ये देखिए, वहाँ पे आपको सब नज़र आ रहे होंगे सारे रेस्टोरेंट ना, वो चूल्हा रेस्टोरेंट भी है, मदीना रेस्टोरेंट भी है। बस वहाँ से आप ये दो रोड क्रॉस करके यूँ आते हैं तो सामने यहाँ पे ये वही रेस्टोरेंट आपको दिखाई दे देगा। तो दोस्तों मेरे ख़्याल है अब मुझे ऊपर चले जाना चाहिए अपने डाइनिंग में, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सब कुछ विज़िट करा चुकी हूँ। वैसे अभी हम लिफ्ट फैसिलिटी वो भी आपने जी किस चीज़ की? लिफ्ट की भी? जी मैं लिफ्ट में ही गए थे, हम लोग लिफ्ट में ही गए थे अभी ना। तो ये जो है देखें, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना, अभी हम लोग गए थे लिफ्ट से गए थे, और अभी जो मैं उतर के आई हूँ तो मैं यहाँ से सीढ़ियों से ही आई हूँ। तो अभी मैं देखें वापस सीढ़ियों से ही जा रही हूँ। यही रास्ता है ना? जी मैं चलना ज़रा। चल वैसे तो खैर बस से एक दो सीढ़ियाँ ही चढ़ के जाना होता है। ये देखिए, ये मैं वापस अपने यहाँ आ गई हूँ अपनी फैमिली के पास। ठीक है, अब मैं देखती हूँ। ये देखिए, हम यहाँ आके बैठ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी में इस तरह से ये जगह भी है। अच्छे यहाँ पे अच्छी कूलिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ। तो यहाँ से अगर यहाँ बैठते हैं तो यहाँ नीचे का व्यू भी अच्छा नज़र आ रहा है। लाइट्स अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, इनका ना बारबेक्यू प्लेटर भी है वहीद का। अरे हाँ, मुझे वहीद का प्लेटर भी तो मुझे दिखाना था। वो आपका प्लेटर भी है ना? हाँ यही तो मैं कह रही थी, लेकिन अब तो मंगवा लिया है ना। ये कितने, ये आपके प्लेटर की क्या कॉस्ट है? 2500 का। अच्छा देखो, मैं बोल रही थी ना प्लेटर है इनका शायद। चलें फिर, अभी हमने ऑर्डर दे दिया। ये देखिए, ये इनका प्लेटर भी है। ये चलें फिर किसी दिन हम लेंगे, अभी तो हम ऑर्डर दे चुके हैं। देखिए ये आ गई बिहारी बोटी, जो मैंने अभी आपको बनती हुई दिखाई थी ना। तो अब ये
टेस्ट करके बताएं ज़रा कैसी है इसकी फीडबैक। बहुत ही यम्मी किस्म की लग रही है, मज़े की है ना। मैं भी चखती हूँ ज़रा। और ये एक हमने मंगाया है फ्राई कीमा, और इसके साथ ये चटनी अवेलेबल है, ये प्याज है। एक प्लेट और लाएं। लेकिन ये इसके साथ नान होते हैं फ्राई कीमा के साथ ना, आप निकाल लीजिए। अच्छा ये पराठे हैं, पराठे इनके साथ प्यारी बोटी के साथ। तो अब दोस्तों मैं खा के आपको बताती हूँ कि सबसे पहले बिहारी बोटी कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की है, वेरी वेरी डिलिशियस, बहुत मज़े की है। अच्छा अब ये कीमा, कीमा जो है ये टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा है। अच्छा इसके साथ ये कीमे के साथ ही अवेलेबल है ना। चले अब ये आपको कीमा टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। कैसा है टेस्ट? मज़े का है। वैसे तो हम लोग खाते रहते हैं लेकिन स्पेशली आज हमें फीडबैक देनी है कि कैसा है। तो अनाया तो खैर एज़ यूजुअल अपना यही खा रही हैं। तो मैं भी बिस्मिल्ला करती हूँ कीमे की। ये बिहारी बोटी तो बहुत टेस्टी थी माशाल्लाह से, अब ये कीमा खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का है, वेरी डिलिशियस। तो दोस्तों अब मैं खा लूँ आराम से, फिर उसके बाद मैं अपनी ब्लॉग का एंड करूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी किस्म का है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना खाना फिनिश कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मज़े का था और आप देख सकते हैं कि हमने सारा खा लिया है तकरीबन, बस अनाया का थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज रह गया। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी ब्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।